और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश निवासी एक युवती से क्लिनिक पर रेप, 23 साल की युवती से आदित्यपुरम इलाके में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया और क्लिनिक पर 3 सितंबर 2:01 की यह घटना है। दरअसल दांत का इलाज कराने के लिए क्लिनिक पहुंची थी युवती और होश में आने के बाद युवती ने महाराजपुरा थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है और होश में आने के बाद युवती ने महाराजपुरा थाने में मामला दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश निवासी युवती से क्लिनिक में रेप किया गया, जहां 23 साल की युवती से आदित्यपुरम इलाके में डेंटिस्ट ने इंजेक्शन लगाकर बेहोशी का रेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दांत का इलाज कराने के लिए वहां गई थी और क्लिनिक पर 3 सितंबर को दोपहर में दांत का इलाज कराने के लिए क्लिनिक पहुंची युवती को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश की रहने वाली युवती बताई जा रही है जिससे क्लिनिक में रेप किया गया, और 23 साल की ये युवती जिसमें बताया जा रहा है कि ये डेंटिस्ट के पास पहुंची थी और डेंटिस्ट ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। क्लिनिक पर 3 सितंबर 2:01 इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया और इस घटनाक्रम में अभी तक आरोपी की तलाश में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, ग्वालियर से ये मामला सामने आया, होश में आने के बाद युवती ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या पता चल पाया कुछ आरोपी के बारे में? बिल्कुल, देखिए, ये ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके की घटना है। यहाँ उत्तर प्रदेश निवासी एक युवती जो 23 साल उम्र है, जो ग्वालियर में ही नौकरी करती है, इस युवती ने FIR दर्ज कराई है कल, जिसमें इसने बताया कि वो आदित्यपुरम इलाके में ही डॉक्टर प्रतीक के यहाँ अपना दांत का इलाज कराने के लिए गई थी और उसी दौरान डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया इलाज के लिए, और जिससे वो बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है, डॉक्टर ने जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि डॉक्टर ने उसके साथ गलत काम किया है। इसके बाद वो सीधे थाने पहुंची और वहां शिकायत दर्ज कराई। महाराजपुरा पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है और अब डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है, और घटना के बाद से डॉक्टर जो है फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। और यूपी की रहने वाली ये युवती है, यूपी में कहां से, परिवार की तरफ से इस पर कोई एक्शन लेने की मांग की जा रही है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है ये युवती और ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में ही रहती है। ये ग्वालियर में नौकरी करती है और यही वजह है कि ये लड़की, संभवतः बताया जा रहा है कि अकेली ही ग्वालियर में रह रही है, और इसके बारे में यही जानकारी पुलिस से मिली है। और पुलिस ने जो है इसकी शिकायत के आधार पर जो 3 सितंबर की घटना बताई जा रही है दोपहर 1 बजे की, उसमें FIR दर्ज की और आरोपी की तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और भिंड में चलती कार में आग लग गई।